हेलो बच्चों, मैं मरीशान फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों जैसा कि हम लोग चैप्टर के शुरुआत में ही चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, और वो सारे फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अब कुछ फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों मुख्य रूप से जो है वो तीन प्रकार का हमारा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअली अफेक्ट करता है, जिसका नाम है सबसे पहला इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव पहला फैक्टर बच्चों इफेक्टिव कोलिजन है क्या। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जब कोलिजन थ्योरी पढ़ा था, तो वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन को डिफाइन किया था और बताया था कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड करने के समय अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एक प्रॉपर डायरेक्शन में और सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ अगर कोलाइड करते हैं, तो वो जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। तो कहते हैं क्या, ए कोलिजन विल बी इफेक्टिव व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड विद ईच अदर विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब कोलिजन अगर प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है और विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव हो। और मैटर है कि फिर सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना, तो कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अगर किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह एनर्जी जो है उसके लिए सफिशियंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्रॉपर डायरेक्शन में और सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो उस केस में कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव होगा। कोलिजन इफेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों, कोलिजन इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन हुआ, तो निश्चित रूप से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कन्वर्शन जो है प्रोडक्ट में हो जाएगा। अगर कोलिजन इफेक्टिव हुआ तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो जाएगा, और अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कन्वर्शन प्रोडक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि क्या है कि कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। देखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद रेट ऑफ रिएक्शन जो है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब उतना ही ज्यादा मात्रा में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कन्वर्शन जो है प्रोडक्ट में होगा।
तो पहला फैक्टर था बच्चों हमारा इफेक्टिव कोलेजन। तो कहते हैं इफेक्टिव कोलेजन के बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इफेक्टिव कोलेजन कम हो रहा है या हम कहते हैं क्या कि इफेक्टिव कोलेजन कम है, घट रहा है, तो निश्चित रूप से उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इफेक्टिव कोलेजन, लिख सकते हैं हम लोग। वाई रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इफेक्टिव कोलेजन। सब हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टाइप के प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलेजन, रेट ऑफ रिएक्शन टाइप के प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलेजन। जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलेजन होगा उस केमिकल रिएक्शन का उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन, निश्चित रूप से रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो अगर हम लोग सीधे से शब्दों में कह दें कि कंसेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा, तो कहते हैं कि आप जैसे जैसे किसी भी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉरी इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। मतलब आप किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण से जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि आप गिवन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में पहले कंसंट्रेशन कम रख रहे हैं, बाद में कंसंट्रेशन ज़्यादा रख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा रखने के कारण से जो है इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सॉरी इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इफेक्टिव कोलिजन के प्रोबेबिलिटी के बढ़ने के कारण हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे बच्चों सीरीज बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये 1 लीटर वॉल्यूम का कोई कंटेनर है, इसमें 0.5 मोलारिटी का कोई सब्सटेंस का कंसंट्रेशन को डाला गया है, ठीक है। तो यानी कि 0.5 मोलारिटी कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इसमें मौजूद होंगे। अब हम कह रहे हैं क्या कि 0.5 मोलारिटी कंसंट्रेशन और हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाकर क्या हम क्या कर रहे हैं, 1 मोलारिटी कर रहे हैं। तो बच्चों वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भीड़ बढ़ गया, वॉल्यूम उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ाया घटाया नहीं है, वॉल्यूम उतना ही है लेकिन कंसंट्रेशन जो बढ़ाने के कारण से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने का हम लोग कह सकते हैं कि भीड़ बढ़ गई है। अब भीड़ जैसे ही बढ़ेगी विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के आपस में टकराने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा मात्रा में आपस में टकराने की संभावना बढ़ेगी उतना ही ज्यादा संभावना होगा इफेक्टिव कोलिजन का, और जितना ज्यादा संभावना होगा इफेक्टिव कोलिजन का उतना ही ज्यादा किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा।
तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे जैसे किसी भी रिएक्टेंट का हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन का बढ़ेगा। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? बच्चों सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्पेसीज या जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो निश्चित रूप से रिएक्टेंट हमारे केमिकल रिएक्शन में होगा तभी तो प्रोडक्ट बन सकता है। तो निश्चित रूप से रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन मेजरेबल प्रॉपर्टी होगा रेट ऑफ रिएक्शन के फाइंडिंग के लिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो तीसरा मेजरेबल प्रॉपर्टी है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया है। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? कहते हैं कि एडिशनल एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी कोई भी रिएक्टेंट पार्ट की कोई भी रिएक्टेंट सब्सटेंस है हमारा, तो उसमें सारे पार्टिकल्स का एनर्जी जो होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो सब क्या होगा एनर्जी अलग अलग होगा। अगर सबकी एनर्जी अलग अलग होगी तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी हाल में सारे पार्टिकल की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना संभव नहीं है। हाँ ऐसा भी नहीं है कि किसी भी पार्टिकल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे कम पार्टिकल्स होंगे जिनका इंटरनल एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। तो अब कहने का मतलब है कि वैसे पार्टिकल जिसका एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा नहीं है उनको कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो। अगर प्रोडक्ट का सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहिए तो निश्चित रूप से ज्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, कम है, तो वैसे
पार्टिकल्स को, वैसे मॉलिक्यूल्स को अलग से एनर्जी को ऐड किया जाता है या एनर्जी को दिया जाता है, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए, ताकि वो रिएक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो मैटर है कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का कैसा संबंध हो। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपको कहीं मूवी देखने जाना है, मूवी का टिकट का जो प्राइस है वो 150 रुपीज है, और अगर आपके पास 150 रुपीज है तो आप मूवी आसानी से जाकर देख सकते हैं, या आपके पास 150 रुपीज से ज्यादा अगर पैसा है फिर भी आप एबल हैं उस मूवी को देखने में। लेकिन अगर आपके पास 150 रुपीज से कम पैसे हैं तो निश्चित रूप से आप उस मूवी को देखने के लिए एबल नहीं है। मतलब 150 रुपीज जो है उस मूवी को देखने के लिए क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ। लेकिन अगर उससे कम है तो निश्चित रूप से आप उस मूवी को नहीं देख पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आपको आपके पास 150 रुपीज से कम पैसे हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो जितना कम पैसा आपके पास है मूवी को देखने के लिए, वो जो पैसा आपको किसी और से देना पड़ेगा, वो जो पैसा होगा वो आपके लिए क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। मतलब आपके पास एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास आपको मूवी देखने के लिए 150 रुपये की आवश्यकता है लेकिन आपके पास 120 रुपये ही है, तो निश्चित रूप से आपको 30 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या हुआ, 30 रुपये एडिशनल एनर्जी हुआ आपके लिए। ठीक है, तो एडिशनल एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर एडिशनल एनर्जी चाहिए आपको ताकि आप उस मूवी को देख सके, है ना, तो वही एडिशनल एनर्जी जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो हम कह रहे थे कि आखिरकार एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ है, और रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैसे वैरी करेगा। तो जो हम आपके सामने एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं कि आप बताइए कि दो पर्सन है, दोनों पर्सन को मूवी देखना है, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि 150 रुपये टिकट का दाम है, तो एक पर्सन के पास जो है 130 रुपये है और एक पर्सन के पास जो है वो 100 रुपया ही है मात्र। तो हम पूछेंगे आपसे कि बताइए किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो निश्चित रूप से जिसके पास 100 रुपया है, जिसके पास इंटरनल एनर्जी कम है, उसको अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है, और जिसके पास 130 रुपया है उसके लिए जो है कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है। तो कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला सब्सटेंस आसानी से उस पैसे को कलेक्ट करके, जल्दी से कलेक्ट करके वो मूवी को देखने में समर्थ होगा, जबकि जिसके पास 100 रुपया है उसको 150 रुपया तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, उसको ज्यादा समय लगेगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि उसका मूवी देखने में जो है उसको ज्यादा समय लगेगा, मतलब उसको ज्यादा जो है प्रयत्न करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा करने के लिए। तो निश्चित रूप से जिसमें समय ज्यादा लगेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसमें कम समय लगेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। अब इसको हम ग्राफ लगा के आपको रिप्रेजेंट कराएंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन इंक्रीजेज विद डिग्री इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन
एक्टिवेशन एनर्जी, बट जो एक्टिवेशन एनर्जी को लेते हैं ना वो ई ए से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए, मतलब जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे बच्चों देखिए आप। अब मान लिया जाए कि हम इसको बताया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये जो है एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई रिएक्टेड पार्टिकल है इसका इंटरनल एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई रिएक्शन ऊपर पहुँचा और ये मैक्सिमम एनर्जी को गेन करके, ठीक है, इस पोजिशन पर, फिर यहाँ से ये जो है क्या होता है प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा इस केस में क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ तक पहुंचेगा पार्टिकल, यहाँ तक रिएक्शन मॉलिक्यूल पहुंचेगा, तभी जाकर के उसकी संभावना होगी कि उसका पार्टिकल बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बनने में वो मतलब नए बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाए। यहाँ तक ये कहने का मतलब ये जो स्टोरी एनर्जी का हमारा पिक है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा तो हम लोग कह सकते हैं कि दे कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब फिर से इंटरनल एनर्जी कोई बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारी ऐसी कोई समझे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग नीचे कर रहे हैं, यहाँ बोला था क्या यहाँ देखिए। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक कभी एनर्जी को क्या चला है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ रिलेटेड एनर्जी क्या है। अब इसका बड़ा ध्यान देखिए इस बात को, यहाँ पर पहुंचेगा तब जाके इतना एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो, और यहाँ से यहीं तक पहुंच जाएंगे तो ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी को देने में ज्यादा समय लगेगा कि इसमें ज्यादा समय रहेगा, अगर इसमें ज्यादा समय अगर ज्यादा समय इसमें रहेगा तो निश्चित रूप से इसके इस रिएक्शन होने के होने का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम ही एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है, तो रिएक्शन जो है जल्दी से क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बच्चों हम लोग अपने चौथा फैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर किसी लिपिड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, आप सोचिए इस बात को कि अगर किसी लिपिड मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब ही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आप टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो अधिक मोबाइल हो जाएगा, अधिक मोबाइल होने का मतलब है कि उसकी मूविंग टेंडेंसी और अधिक हो जाएगी, वो और तेजी से मूव करना स्टार्ट करेगा। जब उसका मूविंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड करने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर कोलाइड करने की संभावना बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस विद
इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, समाप्त हुआ। और एक्टिवेशन एनर्जी की बात लगातार हम कर रहे हैं, आखिरकार एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे कैसे हम लोग, तो इस बात की चर्चा हम लोग अपने अगले लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो आज के लिए जो इतना ही, थैंक यू।